बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया नाज और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव चैनल। अब रुख करते हैं हरुणाबाद का। हरुणाबाद में कोरोना वायरस के मरीज सेहतयाब होने लगे हैं। 19 में से 11 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। एस और पीस के हवाले से इंतजामिया और इन एक्शन है, मजीद तफसीलात जानते हैं। वहां पर मौजूद हम अपने नुमाइंदे सैयद इब्राहिम शाह से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हरुणाबाद में कोरोना केस के 19 जो मरीज हैं वो टोटल पॉजिटिव उनकी रिपोर्टें आई थी, जिनके अंदर से 11 जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और वो रिकवर हो चुके हैं। 8 मरीज ऐसे हैं जिनके घरों में ही उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और उनके घरों को करंटीना करार दे दिया गया है। महकमा सेहत का अमला उनसे प्रॉपर रबते में है और उनकी जो भी ट्रीटमेंट है और अद्वियात है उसका मुकम्मल तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम बात करें कोरोना के तयशुदा SOPs की, उसके ऊपर मुकामी इंतजामिया भरपूर तरीके से अमल दरामद करा रही है और ताजर बरादरी भी उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से तावन कर रही है। तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानों के ऊपर फ्लेक्सें अवेजा की हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। बगैर मास्क के किसी भी कस्टमर को किसी किस्म की कोई भी सर्विस मुहैया नहीं की जा रही है और दुकानदार हजरात भी मास्क लगा रहे हैं और कस्टमर्स के हैंड को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है और मुकामी इंतजामिया ताजर बरादरी के साथ मिलकर SOPs पर भरपूर तरीके से अमल करवा रही है और अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, किसी भी खबर के लिए हमारी वेबसाइट newslive.pk विजिट करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे न्यूज लाइव चैनल।